नमस्कार, आज मैं आपको हेल्दी नमकीन बता रही हूँ। और इसके लिए आप बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि व्रत में यह खाने वाली नमकीन है। यह बहुत ही हेल्दी होती है और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। व्रत में एक बार बना लीजिए और आप फिर से रोज़ खाइए। इसके लिए देखिए, मैंने लिया है मखाने, सेंधा नमक, काली मिर्च गोला कसा हुआ, और ये खरबूजे की मींग या बीज जो भी आप बोलते हो वो। देखिए, अब मैं बनाती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा हमने घी डाला है, घी का कम ही यूज़ करें। सिर्फ मखाने को कुरकुरा होने के लिए हमने इसमें घी डाला है, बाकी का हम ऐसे ही उसे भूनेंगे। देखिए, घी गर्म हो रहा है और इसे खाने से काफ़ी एनर्जी मिलती है, और आप इसे व्रत में यूज़ करें। देखिए, मखाने में भून रही हूँ और इनको आप कुरकुरा होने तक, अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं जब तक भूनें, और मीडियम गैस रखें। और आप चेक करते रहिए, मगर चलाते रहिए, नहीं तो ये जल जाएंगे और आपके नमकीन फिर अच्छी नहीं बन पाएगी। इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहिए, तब ये कुरकुरे और अच्छे होंगे। देखिए, अब मेरे मखाने भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़े से बीज, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा डालें, और चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल सकते हैं। और आप इसे एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लें। फ्लेम सिम ही रखें, क्योंकि जल जाएगी। और देखिए, बीज ना आपको पता चलेंगे, देखिए चटक रहे हैं, देखिए तब समझिए ये बीज भी भुन गए हैं, तब ये बीज करारे होते हैं। अब मैं डालती हूँ उसमें कसा हुआ नारियल। नारियल आप सूखा ही यूज़ करें, कच्चे नहीं तो ख़राब हो जाएगी। इसको भी आप सेम गैस पर भूनें और चलाते रहें, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरह और भुन जाएं। मखाने जब तक कुरकुरे ना हों तब तक आप और चीज़ें ना डालें, मखाने अच्छी तरह भुन जाएं तब डालें। और अगर आप व्रत में नहीं बना रहे, वैसे बना रहे हैं, तो आप इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। नहीं तो आप चाट मसाला ही डालें। देखिए, अब ये भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालती हूँ काली मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। काली मिर्च भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। अब आप इसे बनाकर किसी एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। अगर आपको अभी खानी है तो आप किसी में करके तब खाएं। बड़ी टेस्टी लगती है ये नमकीन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और तब आप बनाएं तो कोई आपको कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। देखिए, बनकर तैयार है मेरी, बहुत झटपट बनने वाली नमकीन। देखिए, आप खाएं, पूरे परिवार को खिलाएं, हेल्दी रहें और सबको हेल्दी रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।